तो क्या सच में सब्सक्राइबर बढ़ेगा, व्यूज भी बढ़ेगा? सच में कौन सा सेटिंग है भाई? गाइस बहुत ही इंपॉर्टेंट सेटिंग है, आप लोगों को शायद ही पता होगा इसके बारे में, ठीक है? कर लो, बाद में पछताने से अच्छा है। तो हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग? उम्मीद है आप लोग सब ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो गाइस आज के इस वीडियो में आप लोगों को एक ऐसी सेटिंग के बारे में बताऊंगा जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, जो कि मोस्टली यूट्यूबर्स इस सेटिंग का यूज नहीं करते हैं, ठीक है? इसका फायदा ये होता है ना कि अगर आप इसको यूज करोगे ना, तो मैं उससे पहले आप लोगों को बता दूं कि वीडियोज वगैरह सबसे ज्यादा शेयर कहाँ पे होता है। व्हाट्सएप पे शेयर होता है सबसे ज़्यादा। वीडियो लीजिए, आपको कोई वीडियो पसंद आ गया, आप उसको शेयर करना चाहते हो, तो आप उसको सबसे पहले व्हाट्सएप पे शेयर करते हो, ठीक है? यूट्यूब का जो भी वीडियो अगर आपको पसंद आता है, तो वो सबसे पहले आप व्हाट्सएप पे शेयर करते हो। तो वहाँ पे होता क्या है ना कि अगर इस वाले सेटिंग को आप यूज़ करते हो, तो वहाँ पर आप मतलब जो आपका व्यूज़ होता है ना, वो आपको मिलेगा। जो यहाँ पर आपका व्यूज़ होता है ना, वो आपको ऐड होगा वहाँ पे। लेकिन अगर आप उस सेटिंग का यूज़ नहीं करते हो, तो वहाँ पे कोई भी व्यूज़ वगैरह आपको नहीं मिलने वाला है, और वहाँ पे ना शेयर करने का ऑप्शन मिलता है, ना ही लाइक करने का ऑप्शन मिलता है, और ना ही सब्सक्राइब करने का ऑप्शन मिलता है, ठीक है? और अगर आप उस सेटिंग का यूज़ करते हो, मोस्टली यूट्यूबर्स इसके बारे में नहीं जानते हैं, बस वो टाइटल, डिस्क्रिप्शन, थंबनेल, इसी सब मतलब इन्हीं सब चीज़ को लगाने के चक्कर में रहते हैं और वीडियो को अपलोड कर देते हैं, ठीक है? ये सब चीज़ भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि होता क्या है ना कि जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि वीडियोज़ वगैरह शेयर होता है सोशल मीडिया पर, सोशल प्लेटफॉर्म पर काफ़ी ज़्यादा शेयर भी होता है, ठीक है? तो अगर इसका फ़ायदा आपको उठाना है कि वहाँ पर जितने भी लोग वहाँ पर देख रहे हैं आपके वीडियोज़ को, तो उसका जितना भी देखने का संख्या, व्यूज़ वगैरह, वो सारा कुछ ऐड हो आपके वीडियो में, ठीक है? तो इसके लिए आपको ये सेटिंग करना पड़ता है, बहुत ही आसान है। देखिए सिंपली मैं आप लोगों को बताता हूँ, यहाँ पे देख लीजिए गौर से सबसे पहले कि वहाँ पे अगर कोई बंदा आपकी वीडियो को टच करता है ना, तो कुछ इस तरीके का दिखाई देता है वहाँ पे, ठीक है? और वहाँ पे कोई ऑप्शन आपको नहीं मिलता है, लाइक करने का भी नहीं मिलता, शेयर करने का भी नहीं मिलता, सब्सक्राइब करने का भी नहीं मिलता, ठीक है? तो वहाँ पे एक ऑप्शन है एलो एम्बेडिंग का, ठीक है? तो उसको अगर आप वहाँ पे ऑफ रखते हो ना, तो ये फ़ायदा आपको मिलेगा, वहाँ पे जो भी टच करेगा ना, लिंक पे टच करेगा, तो डायरेक्ट आपका मतलब YouTube जिस टाइप से ओपन होता है ना, उस टाइप से ओपन हो जाएगा, वहाँ पे आपको सारा ऑप्शन मिल जाएगा लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करने का, ठीक है? तो इसका ये फ़ायदा होता है, यहाँ पे आपको दबा के व्यूज़ मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जितने भी वीडियोज़ वगैरह शेयर होगा आपका, उसका फ़ायदा आपको मिलेगा यहाँ पे, ठीक है? तो ये होता है इस सेटिंग का फ़ायदा। चलिए तो बिना टाइम को वेस्ट किए मैं आप लोग बता देता हूँ किस तरीके से इसको किया जाता है, ठीक है? तो सबसे पहले आपको YT स्टूडियो को ओपन करना है। ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको किसी भी एक वीडियो को सिलेक्ट कर लेना है। मैं इस वीडियो को सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको नीचे में यहाँ पे देखिए ये वाला ऑप्शन, इसी के बाद में कर रहा था, ठीक है? तो यहाँ पे सिंपली आपको ऑफ रखना है और कुछ भी नहीं करना है, ठीक है? टिक लगाने का है, तो वहाँ पे क्लिक कर दो, हट जाएगा। और यहाँ पे अगर आपका वीडियोज़ वगैरह शेयर हो रहा है व्हाट्सएप पे या फिर कहीं भी, तो उसका फ़ायदा आपको पूरा दबा के मिलने वाला है। तो ये वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आए, तो वीडियो को आप लाइक कर सकते हो, और इसी तरीके की वीडियोज़ और भी आगे देखने के लिए आप मेरे चैनल से कनेक्ट हो सकते हो। बहुत बहुत शुक्रिया, मिलते हैं फिर एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।